सीन से स्टार्ट होने वाली है प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग, और डायरेक्टर प्रशांत नील किन चीजों का ध्यान रखने वाले हैं फिल्म सालार में? प्रभास के अलावा कौन सा बड़ा सितारा इस फिल्म का हिस्सा होने जा रहा है, और क्या वो हिस्सा होगा, क्या वो इस फिल्म का हिस्सा होंगे? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निधा, और आज मैं आपको बताऊंगी प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सालार के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, इस फिल्म का प्रोडक्शन कर रहा है होम बिल प्रोडक्शन, जो KGF 2 का भी प्रोडक्शन कर रहा है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन कितना होने वाला है अभी प्रशांत नील ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने की खबरें हैं और इस फिल्म के लिए पूजा पाठ भी कराई जा चुकी है। इसके अलावा सोर्सेस का कहना है कि फरवरी की फर्स्ट वीक में प्रभास इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, और अंदर की बात अगर माने तो ये फिल्म की शूटिंग बैक टू बैक होगी, कोई भी ब्रेक इस फिल्म में वो नहीं लेंगे। लेकिन देखना है कि जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चा कहता है कि मैं ब्रेक नहीं लूंगा, और लेकिन ब्रेक वो ले लेता है हर 5-5 मिनट में, तो क्या प्रभास उसी बच्चे की तरह इस फिल्म में भी ब्रेक लेने वाले हैं? तो अगर वो लेते हैं तो ये फिल्म की शूटिंग थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन मजा बहुत आने वाला है प्रभास को। तो जैसे कि सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग सबसे पहले एक्शन सीन से स्टार्ट होगी, उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग आगे आगे बढ़ेगी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ज्यादातर लास्ट सीन फर्स्ट डे में शूट किया जाता है, बहुत सारी फिल्में हैं जिनका क्लाइमेक्स सीन फर्स्ट डे में शूट कर लिया जाता है। अब देखना है कि प्रशांत नील ने जो सोचा है सालार फिल्म के लिए वो क्या अच्छा साबित होगा फिल्म सालार के लिए, ये तो देखना बाकी रहेगा। बाकी इस फिल्म की शूटिंग तेलंगाना के छोटे से शहर में होने वाली है, और यहाँ पर उनके लिए काफी मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि अभी COVID-19 खत्म नहीं हुआ है, काफी प्रिकॉशन और बहुत सारी गाइडलाइंस प्रशांत नील और उनके क्रू मेंबर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखना है कि ये फिल्म में कितनी मुसीबतें आती हैं और वो कितना ओवरकम करते हैं। बाकी प्रशांत नील इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर हैं, और जब से उनकी KGF 2 की रिलीज की हाइप बढ़ी है तब से उनका नाम और भी बड़ा हो गया है। वैसे ये रिलीज के बाद अब कितना और बढ़ेगा ये तो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि प्रशांत नील ने कुछ चीजों का काफी ध्यान रखा है फिल्म सालार के लिए, जो उन्होंने KGF 2 में नहीं रखा। वैसे आपको बता दूं कि KGF 2 में भी ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई थी। तो क्या क्या है वो गाइडलाइंस और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं प्रशांत नील? तो अंदर की बात यह है कि सोर्सेस का कहना है कि प्रशांत नील सालार के लिए कुछ लोकेशंस ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस फिल्म के लिए काफी एग्जॉटिक हो। और यही नहीं, प्रशांत नील ने इस फिल्म को शूट करने के लिए 45 दिन का स्केड्यूल बनाया है। इन 45 दिनों में ज्यादा से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हो जाए और खत्म हो जाए, बाकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। लेकिन प्रशांत नील के इस फैसले से उनके कास्ट क्रू मेंबर्स काफी सदमे में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 45 दिनों में फिल्म की शूटिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी। बाकी अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो क्रू मेंबर्स ही जाने। लेकिन आपको मैं एक अच्छी खबर देती हूँ कि MS धोनी फेम दिशा पाटनी की खबरें आ रही है इस फिल्म से जुड़े होने की। प्रशांत नील चाहते हैं कि सालार फिल्म में दिशा पाटनी हिस्सा हो। वैसे दिशा पाटनी के करियर को इस फिल्म से शायद थोड़ी सी दिशा मिल जाए, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। MS धोनी की बात हो चाहे वो मलंग की बात हो, इन दोनों ही फिल्मों में वो मर जाती हैं। तो देखना है कि दिशा पाटनी को प्रशांत नील क्या सालार में भी मार देंगे, या फिर उनका करियर इस फिल्म से मरेगा नहीं और जी जाएगा, ये देखना बाकी रहेगा। बाकी चलते हैं आगे कि प्रभास एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और अब डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनके अलावा कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो फिल्म का हिस्सा हो सकता है, और क्यों उस बड़े सितारे को फिल्म मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं फिल्म सालार के लिए? तो इससे पहले आप अजम्पशंस लगाएं, आपको बता दूं कि इस फिल्म में विलन के तौर पर जॉन अब्राहम का नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि जॉन अब्राहम फिल्म सालार के लिए निगेटिव रोल के लिए काफी सही बैठेंगे, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब जॉन अब्राहम कुछ ऐसा कर रहे हैं। यशराज की फिल्म धूम में भी वो एक निगेटिव कैरेक्टर में थे, इसके बाद सतमेव जयते में जो उनका कैरेक्टर था वो थोड़ा शेडी और थोड़ा पॉजिटिव मिक्सड था, लेकिन था थोड़ा सा निगेटिव ही, और ये बात तो काफी तय है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉन अब्राहम निगेटिव रोल में काफी प्यारे लगते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं जैसी उनकी फिजिक है। प्रभास का बल्की लुक और फिर उसमें जॉन अब्राहम का ये निगेटिव रोल फिल्म को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो अगर जॉन अब्राहम इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये फिल्म प्रभास की बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी। बाकी जॉन अब्राहम का करियर बहुत ही शानदार चल रहा है, वो अपनी फिल्म सतमेव जयते 2 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उनकी ही फिल्म सतमेव जयते की ये अगली कड़ी होगी। इसके अलावा अनटाइटल्ड फिल्में बहुत सारी हैं जिनका वो हिस्सा होने वाले हैं। इसके अलावा एक अनटाइटल्ड फिल्म अदिति राव हैदरी और अर्जुन कपूर के साथ भी वो करने वाले हैं, और एक फिल्म और चर्चा में है जिसमें वो पंकज त्रिपाठी के साथ भी नजर आने वाले हैं। और जिन कलाकारों के साथ वो काम करने वाले हैं और उन फिल्मों का फ्यूचर भी काफी सिक्योर नजर आ रहा है। ताकि आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये थे प्रशांत नील प्रभास जॉन अब्राहम के फिल्म सालार से जुड़े कुछ फैक्ट। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।